एमआस न्यूज हर समय आपके साथ, मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केएमआस न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर कृषि कानून की निकाली गई अर्थी। जी हां, बता दें आपको किसानों के अंदर काले कानून को लेकर बहुत आक्रोश है, जिसके चलते चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून की अर्थी निकाल कर बीच सड़क पर जलाया और नारेबाजी भी की। आइए दिखाते हैं अपने संवाददाता रागिनी शर्मा की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सर, ऐसे क्या गए काले कानून में जो सरकार अपने काले कानून को वापस नहीं ले रही है? अब जी तो सरकार ये मालूम हुई क्यों ना ले रही, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिनको बनाए हैं, जिन प्रति करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च कराते हैं लेते हैं, उनको बताया क्यों नहीं कर रहे हैं। किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जनता का नुकसान हो रहा है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, वापस करा के मानेंगे। लेकिन सरकार को अभी नहीं कर पा रही है, लेकिन करेगी, करना पड़ेगा। सरकार डेट पे डेट दी जा रही है कि हम इस तारीख को हम गए अगर तक कानून वापस लेंगे, हमारे कानून सही है, लेकिन सरकार अपने काले कानून पे क्यों नहीं वो बता पा रही है ढंग से? अरे पता नहीं जी, तो चल रही है अम्बानी जी को, अडानी जी को, हो सकता है पूछ के और विचार करके उसके बाद तारीख आती होंगे सामने कि ये करो वो करो, उनको पूछ के आते होंगे जिनने बिल बनाए हैं। सरकार ने नहीं, उन्होंने बनाए हैं उद्योगपतियों ने, इनपे चुनाव में बहुत खर्चा करवाते हैं, चुनाव में चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, उन लोगों से कहने पर काम चल रहा है, उन लोगों के यहाँ बिल बने हैं ये और सरकार ने लागू कर दिए हैं। हाँ, परेड में कुछ करेंगे, अगर 26 तारीख से पहले समाधान निकाल दिया तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो 26 तारीख को कुछ करेंगे फिर। 8 तारीख को कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मीटिंग होगी। हाँ हाँ, 8 को मीटिंग होगी, 8 में ही कर दें, चलो कोई बात नहीं, 8 में तैयार हैं हम तो, 8 के बाद 8 में ना 16 में कर दें तो ना करेंगे तो 26 को तो परेड में जाएंगे। बाबा आपका नाम? मेरा नाम किशन नंबरदार मथुरा। कानून की समाप्ति मैं जाति से किसान हूँ, मेरी जाति ही किसान है, मेरा नाम ही किसान है, मेरा प्यार ही किसान है, हम सब भारतवासी किसान है, हमारा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं। वो गद्दार तो गोरे अंग्रेज तो थे, ये काले अंग्रेजों ने इस देश को बांट दिया और ऐसा बर्बाद कर दिया, 20 साल पीछे चला गया देश। इन्होंने देश के साथ में जो धोखा दिया है वो इनको भुगतना पड़ेगा, और अगर इन्होंने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया और हमको MSP की गारंटी नहीं दी तो ये समझ रहे नहीं है किसान तो पागल हैं। हम पागल नहीं है, हम दिल्ली में झंडा फहराएंगे और दिल्ली के लाल किले को घेर कर बैठ जाएंगे, जब तक हमारा ये काम पूरा नहीं होगा, जब तक हम घर को जाने वाले नहीं। जय हिंद जय भारत। किसानों का सब प्रकार ध्यान दे रहे हैं।